ये आधा आधा किलो का डंबल उठाता था, 11 किलो का उठा रहा है आज। वहाँ ताविस भी लगा पड़ा है। मैं तो करता ही हूँ एक्सरसाइज, आप लोगों को पता ही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जस्ट अभी उठे हैं सब। अभी भुवन तो अभी सो रहा है। चाय वगैरह बनाई है, डाइट वगैरह ली है, अंडे वगैरह उबालने रखे हैं और जिम चलते हैं। जैसे कि संडे आज, या संडे को भी जिम खुलती है। अब राजमा तैयार हो रहा है और अब से हमने डिसाइड करे कि थोड़ा पूरे दिन का आपको दिखाया करेंगे व्लॉग, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि पिछले व्लॉग में हमने काफ़ी कम कम दिखाया है। अब कोशिश ये रहेगी कि आपको सारा दिखाएं हम, जैसे कि सुबह का अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी चलते हैं और आपका पूरा दिन दिखाते हैं कि पूरा दिन कैसा निकलता है। सो गाइस, जिम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब राज जैकेट पहन रहा है, यहाँ पीछे भुवन और नाश्ता बना रहे हैं। भुवन जा नहीं रहा जिम, जैसे कि आपको पता है। हम ही जा रहे हैं आज, ताबिज पहले ही नीचे उतर चुका है। चैलेंज छोड़ दिया? चैलेंज चल रहा है ब्रो, इसलिए नहीं जा रहा कि वो रेस्ट ले रहा है, रिकवरी डे। चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखा। गाइस अभी टेम्परेचर हो रहा है -32, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा। विंडी नहीं है तो उससे क्या है कि ज्यादा फील नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या धूप है लेकिन धूप का कोई असर नहीं है। -32 टेम्परेचर है, ठंड वैसी है। ये बिल्कुल फजूल है इसका सूरज का यहाँ पे निकलना, समझ नहीं आता। हमारे यहाँ कम से कम बड़ी गर्मी तो देता है, यहाँ पे फील ही नहीं होता इसका कुछ, बस बस रोशनी के लिए, और किसी काम के लिए नहीं। जिम पहुंच चुके थे बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिम जो है उसकी रेनोवेशन हो रही है आज, तो हम दूसरी किसी जिम में जा सकते हैं सेम कार्ड से, क्योंकि जो ये जिम है इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइज है, तो एक कार्ड से हम किसी भी जिम में एंट्री दे सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जो उनकी दूसरी ब्रांच है एक मॉल में। यहाँ पे आप ट्रैम में बैठ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, मैं पियोनियर गया था, हम वहीं जा रहे हैं। उसके लास्ट फ्लोर पे जिम है अपने लिए, साथ में और आपको दिखाते हैं वो जिम, बहुत बढ़िया बनी हुई है। बहुत सारे ट्रेनर वगैरह ही जाते हैं एक्सरसाइज करने, आज हम भी जाते हैं, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा पूरा, दिखाते हैं आपको। सो गाइस, जैसे कि हम पियोनियर के बाहर पहुंच चुके हैं, इसके फोर्थ फ्लोर पे जिम है अपनी, और यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि आपको मैं बताना भूल गया, अगर आपके पास सेम जिम का कार्ड है ना, तो सिटी में कोई सी भी वही जिम हो उस नाम की, आप उधर जा सकते हो। जैसे हमारा रिलीफ का कार्ड है तो हम रिलीफ की कोई भी जिम में जा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में। तो बस हम चलते हैं अंदर, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर आपको जिम दिखाते हैं कैसी है। यहाँ की जिम और अच्छी है अपनी उस वाली जिम से, बस ये थोड़ा सा दूर है इसलिए हम जाते नहीं इधर, मगर सोच रहे कि अब गर्मियों में यहीं आए करेंगे रोज। तो गाइस अभी हम आपको थोड़ा सा जिम का छोटा सा टूर दे देते हैं। तो ये जिम जो है उस वाली जिम से काफी ज्यादा बड़ी है। तो ये वाला सेक्शन जो है डंबल वगैरह का सेक्शन है, तो जो आगे आपको ये ब्लैक सा दिख रहा है ये डोर है, तो ये कार्डियो वगैरह करने के लिए ये हॉल आज पता नहीं क्यों बंद है। ये हॉल इस हॉल के जितना बड़ा है, तो इस साइड में जो है वो बाकी सेक्शन है, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे चेस्ट वगैरह का, बाकी सब ये बच्चों का एक छोटा खेलने का सेक्शन है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे वो ये आगे का सेक्शन है, यहाँ से जो है आपको एक अच्छा व्यू मिल सकता है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए एरिया है, और ये जो है टॉप फ्लोर से यहाँ पे आप व्यू ले सकते हो बाहर का, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू मिलता है यहाँ से। और इस साइड में एक और सेक्शन है, ऊपर वाला सेक्शन जो ये है ये टैक्स वगैरह के लिए पर्टिकुलर सेक्शन है, ये सेक्शन है सब वगैरह के लिए। हेमत लगा हुआ है, वजन कम करके पूरा चैलेंज पूरा करना है। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं नई जिम है, नया माहौल है,
अलग ही मजा आ रहा है जिम करने में। ये आधा आधा किलो का डंबल उठाता था, 11 किलो का उठा रहा है आज। वहां ताबीज भी लगा पड़ा है। मैं तो करता ही हूँ एक्सरसाइज, आप लोगों को पता ही है। बढ़िया जगह है, अच्छी जिम है, काफी अच्छी जिम है, खुली है, बड़ी है, हर चीज है, हर मशीन है। और ये बात है कि उसी जो हमारे पास कार्ड था उस जिम का, उसी कार्ड में हम आए, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा पे करा ना कुछ, खाली बस का खर्चा लगाया बस आने जाने का। तो भाई जिम से निकल चुके हैं, डिनर का सामान भी खरीद लिया नीचे लैंता से, अभी भाग भाग के ट्रैम पकड़िए वहां पर पीछे बैठे, अभी जा रहे फ्लैट की तरफ, डिनर विनर की तैयारी करते हैं, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, पेपर आ रहे हैं उसके लिए, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। वापस अपार्टमेंट आ गए, वापस अपनी डाइट स्टार्ट होगी, खाना बनाना स्टार्ट होगी, क्योंकि आज भूख काफ़ी लगी है, खाया बहुत कम है अभी, तो ऐसे ही कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद चिकन लेके आए हैं, चिकन बनाएंगे, बेक करके खाएंगे बिना मसालों के, फिर मैरिनेट थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, और पोटे बनाना है, एक नहीं करेंगे टेंडर चिकन बनाएंगे, एक पैकेट आता है उसके अंदर मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, ओवन में पकाएंगे, आपको दिखाते हैं, वो अलग रेसिपी है, मगर बहुत बढ़िया। कॉफी तैयार हो गई है, ईशान भाई अपना एनीमी कंटिन्यू कर रहे हैं, ईशान भाई एनीमी चल रहे, लक्ष्य आया ये काम पे रखा है हमने, काम वाली भाई हमारी ये देख रहे हैं, लक्ष्य बनाएगा स्पेशल सैंडविचेस किसी स्पेशल सम्मान के लिए। ओह माय, ये स्पेशल सम्मान कौन है, ये बताया नहीं जाएगा। और ये फाइनली सैंडविचेस तैयार है, हालांकि अभी इसमें बचाई एक ही है प्लेट में, बाकी ये था ब्राउन ब्रेड वेरिएंट और ये हमारा व्हाइट ब्रेड वेरिएंट, और ये देखिए मनुष्य खाता हुआ। मैं दिखा रहा हूँ अभी कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ से पन्नी दोनों लाइन से बांधनी पड़ती है, जिसके अंदर हम चिकन भरेंगे, फिर उसको ओवन में रखेंगे, और जितने ये पन्नी क्या है, ये ओवन में जलती नहीं है, स्पेशल हमने खरीदी है ओवन के लिए होती है। इसमें बनाने से क्या होगा, जितने भी जूसेस होंगे चिकन के वो सारे उसी में रहेंगे, पूरा टेंडर चिकन बनेगा। ये दिखाते हैं, इसको ढंग से बांधना पड़ता है। अगर आप इसमें और बढ़िया वाली महंगी वाली खरीदोगे तो पहले से ही कटेड आती है, मगर इसमें क्या है सारा पहले करना पड़ता है ना, गरीब है इसमें भरना पड़ता है, फिर ऊपर से भी इसमें गांठ लगाएंगे, चिकन भरेंगे बस इसमें, चिकन का इतना मैरिनेशन का जूस निकल गया सारा, वो डाल देते हैं बस बस कर। इसको अच्छी तरह से टाइट बांधना पड़ेगा, थोड़ा एक दो छेद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें एयर बनेगी अंदर, जब चिकन एक तरह से बॉइल होगा बेक होगा, सेट होती है जल्दी मिलता है। सो गाइस दूसरी पन्नी तैयार हो चुकी है, ये आप देख रहे होंगे इतना सारा चिकन क्यों है, क्योंकि बस हम ये सिर्फ चिकन खाएंगे यार चटनी के साथ, और कुछ नहीं खाएंगे, ना रोटी होगी ना चावल होगी कुछ नहीं, बस बेक्ड चिकन पूरा जिम की डाइट में जाएगा। ओवन में अंदर ओवन लगाते हैं 250 पे, और लगाते हैं हम ऊपर नीचे का, बस ओवन में आराम से कोई नहीं होता है। सो गाइस चिकन बन के रेडी है, इसको आप देख रहे हैं एकदम अच्छे से टेंडर हुआ है, एकदम सॉफ्ट चिकन है, पूरा अंदर तक पका हुआ है। अब प्लेटिंग करते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। ग्रिल चिकन आओ पाजी, आओ पाजी, बिस्मिल्लाह। सो गाइज अभी हम डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद सब अपना अपना काम करेंगे, जिसको जो काम करना है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को कुछ बाकी होमवर्क वगैरह करना है, तो आज के लिए इतना ही, कर देते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में।